शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। प्रभु आपने इस अधम की पुकार सुन ली, मेरा ये जीवन धन्य हो गया। अब मुझ में ना कोई क्रोध है ना कोई इच्छा, यदि कुछ है तो बस करुणा। आज मैं आपको साक्षी मानकर राजकुमार प्रद्युम्न को दिया श्राप वापस लेता हूं। व्याधराज, जब कोई किसी को क्षमा करता है तो उसके भी सारे अपराध सारे दोष क्षमा हो जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे सभी कर्मों से मुक्त कर तुम्हें अपनी शरण में लेता हूं। आइए व्याधराज, मेरे परम धाम में आपका स्वागत है। आज के पश्चात आप संसार में मेरे परम भक्त के रूप में जाने जाएंगे और जन्म जन्मांतर के सभी बंधनों से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। महाबन छोड़ दो मेरा हाथ, मेरे कामदेव वापस आने वाले हैं। ऐसा कभी नहीं होगा, कामदेव कभी नहीं लौटेंगे। देवी रति, महागन, तुम्हारे युगों के अनर्थ का आज अंत होकर ही रहेगा। कामदेव, पुष्प कभी कांटों का अंत नहीं करते। पिछली बार तो मैंने तुम्हें जीवित छोड़ दिया था, परंतु आज तुम्हारा अंत करने के पश्चात ही मैं इस रति से विवाह करूंगा। ऋतुराज, अब ये महागण नहीं रहा, महादेव ने इसे स्वयं से अलग कर दिया है, इसलिए अब ये केवल एक साधारण गण है, वासना के वशीभूत है। अब आपके कामबाण से इसका अंत संभव है, अंत कर दीजिए इस अधर्मी का। रति, मत भूलो, ये कामदेव तुम्हारा अतीत है और ये महागण तुम्हारा भविष्य है। जिस प्रकार भविष्य अतीत को सदैव ही समाप्त कर देता है, आज मैं भी इस कामदेव को सदा के लिए समाप्त कर दूंगा। महागन, अधर्म कभी संसार का भविष्य नहीं हो सकता। आज तुम्हारे अधर्म का और तुम्हारा अंत होकर ही रहेगा। तुम्हारे ये पुष्प बाण मेरा अहित नहीं कर सकते। लड्डू गोप
पाल ने छल किया है मेरे साथ। मेरी समस्त शक्तियां क्षीण हो गई हैं। यदि मैं कुछ और पल यहाँ रुका तो सच में कामदेव मेरा अंत कर देंगे। ऋतुराज, आज ये अधर्मी जीवित नहीं बचना चाहिए। इसने एक स्त्री का अपमान किया है, एक पत्नी की मर्यादा को भंग करने का प्रयास किया है। ये बाण मेरे कोप और प्रतिशोध का प्रतीक है। लीजिए इसे और समाप्त कर दीजिए इस अधर्मी के अस्तित्व को। इतने युगों के पश्चात आपको देखकर मैं धन्य हो गई, मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई। देवी रति, ये तुम्हारे प्रयासों के कारण ही है कि मैं आज कामलोक वापस लौट पाया हूं, उन्हें अपना शरीर धारण कर पाया हूं, उन्हें हमारा मिलन हो पाया। नहीं देव, ये सब लड्डू गोपाल की कृपा है। उन्होंने अपना वचन पूर्ण किया। हाँ देवी, परंतु लड्डू गोपाल की परम भक्त तुलसी, उसका वचन अभी भी अधूरा है। इसीलिए देवी रति, मुझे तुलसी का वचन पूर्ण करने के लिए धरती लोक जाना ही होगा। मनोहर के सांसारिक जीवन को पूर्ण करना होगा। मैं जानती हूँ देवी, और मैं ये भी जानती हूँ कि मनोहर का जीवन पूर्ण होने के पश्चात हमारा मिलन अवश्य होगा। जाइए देव, अपना उत्तरदायित्व पूर्ण कीजिए। मनोहर का जीवन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। मनोहर को लेकर कहीं मत जाइए। हमारे प्रेम और विश्वास का अंतिम संस्कार मत कीजिए। मत लेकर जाइए। लड्डू गोपाल और श्री राम पर अविश्वास मत दिखाइए आप लोग। छोड़ दीजिए मेरे मनोहर को। रतला बिटिया, हमें गलत मत समझना। हम सिर्फ अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, और अगर तुम्हें लगता है कि कलयुग में धर्म की महिमा है, भगवान है, तो बोलो उनसे, कर दे मनोहर को जीवित। मौसा जी, भगवान की कृपा से अपंग भी पर्वत लांग जाते हैं, अंधे भी देखने लगते हैं। वो मेरे मनोहर पर कृपा जरूर करेंगे, मेरा मनोहर फिर से जीवित होगा। मनोहर, उठाओ उठाओ, चलो चलो, मेरे मनोहर को मत लेकर जाइए। छोड़ दीजिए मेरे मनोहर को। नहीं, कोई लेकर नहीं जाएगा, कोई नहीं लेकर जाएगा। तुलसी की भक्ति सफल हो गई। मनोहर, लड्डू गोपाल ने सुन ली। हे भगवान, धन्यवाद, धन्यवाद भगवान।
कैसे हो सकता है? क्यों मौसा जी, आप तो मेरी खुशी चाहते थे ना। अब मनोहर जीवित हो गया तो मुझे आपके चेहरे पे खुशी नजर नहीं आ रही है। नहीं नहीं, नहीं। मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं तो इतना खुश हूँ कि पूरे मथुरा में खुशी के लड्डू बांटूंगा। नहीं मौसा जी, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बस इतना याद रखिए, विश्वास और आस्था से ऊपर कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। कभी भी किसी की विभक्ति पर सवाल मत कीजिएगा। पर मृदुला, मुझे हुआ क्या था? कुछ भी नहीं मनोहर, बस इतना समझ लीजिए कि हमारे प्रेम की अग्नि परीक्षा थी और वो हमने तुलसी की भक्ति के कारण पार कर ली है। हमारा प्रेम सफल हो गया है मनोहर। पर मृदुला, हमें तुलसी को जाके धन्यवाद बोलना चाहिए। हाँ मनोहर, हमें तुलसी के पास जाना होगा, लड्डू गोपाल धाम। ये सब तुलसी की भक्ति के कारण ही हुआ है। चलिए मौसा जी, आपको विश्वास हो या ना हो, मुझे पूर्ण विश्वास है कि लड्डू गोपाल तुलसी के ही साथ है। चलो फिर से तुलसी से हार नहीं मान सकता। हमें समझ नहीं आ रहा यहाँ हुआ क्या, और यादराज कहाँ चले गए? उन्होंने अपना श्राप वापस लिया भी या नहीं? तुलसी, मोरपंखी बालक, तुम तुम्हारी भक्ति और कर्म सफल हो गया। व्याधराज ने अपना श्राप वापस ले लिया और वो अपने प्रभु के धाम चले गए। सच? पर तुम्हें ये कैसे पता? क्योंकि अब वो अपने कंदरा में नहीं है तुलसी। इसका अर्थ है कि व्याधराज ने प्रद्युम्न का श्राप वापस ले लिया और मनोहर के प्राण अवश्य लौट आए होंगे। हाँ तुलसी, इसलिए अब हमें भी गुरपा लौटना चाहिए। पर मोरपंखी बालक, हम जाएंगे कैसे? उसी मार्ग से जिस मार्ग से हम आए थे। हरे रामा, हरे कृष्णा, सुमित्रा दीदी, कीर्तन बहन, कैसी हो सुमित्रा दीदी? और कहाँ गायब हो गई थी गूलर की फूल की तरह गोरबा से? अब क्या बताऊं कीर्तन, गई तो थी बाके बिहारी के दर्शन करने के लिए कि तभी फोन आया कि तुलसी की मामा की तबीयत बहुत खराब है, तो वहीं से मैं अपने मायके चली गई थी। अब कैसी तबीयत है सुमित्रा बहन, भाई साहब की? लड्डू गोपाल की कृपा है, अब वो बिल्कुल ठीक है। कीर्तन, बहुत दिन हो गए तुलसी को देखे हुए, चलो घर चलते हैं। चलो क्या हो गया कीर्तन, रुक क्यों गई? चलो कीर्तन, तुलसी ठीक तो है ना? हाँ दीदी, तुलसी बिल्कुल ठीक है। वो दीदी, वो तुलसी द्वारिका गई है। क्या, द्वारका? इतनी दूर अकेले, मगर क्यों? दीदी, हुआ ये था कि
कीर्तन, इतनी बड़ी घटना घट गई और किसी ने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। क्या बताऊं दीदी, जब भी कोई समस्या आती है मेरी ही मति मारी जाती है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। पता नहीं ये संकट कब खत्म होंगे। मेरी तुलसी न जाने कहां किस हाल में होगी। तुलसी, भगवान कृष्ण जिस मार्ग से मथुरा से द्वारिका गए थे उसी मार्ग से हम द्वारिका से मथुरा जाने वाले हैं। क्या तुम तैयार हो? हाँ मोरपंखी बालक, तुमने इस यात्रा में हमारी बहुत सहायता की है, पर तुम्हारे पास इस संसार में हर समस्या का समाधान कैसे होता है? क्योंकि मैं भागवत कथा पढ़ता हूँ, पूरी भागवत कथा। मुझे कंठस्थ है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण के कर्म धर्म उनके जीवन मर्म से मैं पूरी तरह परिचित हूँ। तुलसी, फिर तो हम अवश्य तुमसे भागवत सुनेंगे, क्योंकि हमारी बड़ी इच्छा है भगवान कृष्ण का जीवन उनकी संपूर्ण लीलाओं को जानने का। अवश्य तुलसी। हे लड्डू गोपाल की परम भक्त तुलसी, आज तुम्हारी अटूट भक्ति के कारण ही ऋतुराज का सौंदर्य की देवी से मिलन हो पाया है। आज तुम्हारे त्याग और साहस से कामदेव पर लगा युगों पुराना श्राप दूर हो पाया है। हाँ तुलसी, धन्य हो तुम और तुम्हारी भक्ति। यदि आज तुम नहीं होती तो द्वापर में किए गए अधर्म का श्राप से मैं कभी मुक्त नहीं हो पाता। वे आज जरा मुझे कभी भी क्षमा नहीं करते। तुलसी, आज तुमने संसार में सिद्ध कर दिया कि भक्ति के बल पर मनुष्य कोई भी असंभव कार्य करने में सक्षम है। हाँ स्वामी, इसीलिए तो तुलसी इस कलयुग की भक्त शिरोमणि है। हे देवी रति, हे कामदेव, आप सत्य कह रहे हैं। यदि मन में पूर्ण भक्ति और विश्वास हो तो मनुष्य कोई भी कार्य कर सकता है। वो भगवान को भी अपने वश में कर सकता है। संसार ऐसे भक्त को नमन करता है। हे लड्डू गोपाल, हम जानते हैं कि मोरपंखधारी बालक के रूप में आप ही तुलसी के सारथी हैं। वो जो भी कार्य करती है आपके मार्गदर्शन में ही करती है, इसलिए हम आपके भी आभारी हैं। हमारा प्रणाम स्वीकार करें। तुलसी, अब हमें भी चलना चाहिए, सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तो चलो फिर। तुलसी का फोन क्यों नहीं लग रहा है, क्या करूं मैं? लग गया फोन। कहां हो तुम? प्रणाम मातेश्री। प्रणाम, पर तुम हो कहां? आपके सामने ही तो है। तुलसी, तुझे देख के ना मेरी आंखें जुड़ा गई। तभी आपने हमें इतने दिनों तक याद भी नहीं किया। क्यों याद करते? पहले तो तुम बिना हमसे पूछे घर के बाहर एक भी कदम नहीं रखती थी, अब तुम हमें बिना बताए द्वारका चली गई, वो भी अकेले। माँ, हम अकेले नहीं गए थे, मोरपंखी बालक था हमारे साथ और वहाँ कोई भी संकट नहीं था। मोरपंखी बालक, बताओ माँ को। नहीं तुलसी, माँ की डांट से सुंदर और कुछ नहीं होता, इसलिए मैं कुछ भी बोलकर सुमित्रा काकी को तुम्हें डांटने से नहीं रोकूंगा, इसलिए अब मुझे आज्ञा दो। मोरपंखी बालक, तुम हर संकट में हमारी सहायता करते हो, अब इस संकट में हमें अकेला छोड़कर जा रहे हो, ये तो ठीक बात नहीं है। राधे राधे तुलसी। राधे राधे। तुलसी, मुझे तुम्हें कुछ बात बतानी थी। बोलिए ना। मैंने बांके बिहारी के मंदिर में संकल्प लिया है संपूर्ण भागवत कथा कराने का, ताकि तुम पर, हमारे परिवार पर, गोरबा गांव पर बार बार आ रहे संकट समाप्त हो जाए। ये तो बड़े खुशी की बात है माँ, क्योंकि हम भी भगवान कृष्ण की लीलाओं को, उनके जीवन चरित्र को
के कर्म के सिद्धांतों को आत्मसात करना चाहते, इसलिए तुलसी मैं पुरोहित जी को न्योता पहले ही देकर आ गई। कल सुबह वो आ जाएंगे, पर उससे पहले तुम्हें कथा की सारी तैयारियां करनी होगी और पूरे गोरबा गांव को बुलाना होगा। मातेश्री, हम है ना, हम सब कर लेंगे। हे लड्डू गोपाल, मैं अपना संकल्प पूरा करने जा रही हूँ, भागवत कथा का पाठ आरंभ करने जा रही हूँ। कृपा बनाए रखिएगा प्रभु। सत्य कह रहे हैं आप देवी सुमित्र, जहाँ भागवत कथा का पाठ होता है वहाँ सुख शांति और समृद्धि का वास होता है, क्योंकि इस कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करना साक्षात ईश्वर के दर्शन करने के समान है। जब कलयुग का आगमन हो रहा था, तब मैंने अपने भक्तों को वरदान दिया था कि कलयुग में भगवान के दर्शन दुर्लभ होंगे, किंतु यदि कोई भागवत कथा का पाठ कराता है या सुनता है तो उसे साक्षात ईश्वर के दर्शनों का ही लाभ मिलेगा। भागवत कथा का सारा सामान आ गया? कुछ छूटा तो नहीं है? चल अच्छा। माँ, हम सबको कथा का न्योता देने जा रहे हैं। तुलसी, गोरबा का कोई भी घर छूटना नहीं चाहिए। माँ बिल्कुल चिंता मत कीजिए, भागवत कथा है, हम अपनी ओर से कोई भी कमी नहीं आने देंगे। आते सुमित्रा दीदी, कीर्तन आपके आते ही पूरा उत्सव सा आ जाता है गोरबा में। सुना है आप भगवत कथा करवा रही है? हाँ दीदी, हमारे लायक कोई भी सेवा होगी तो जरूर बताइएगा। इसमें बताना क्या है कीर्तन, प्रसाद की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो ठीक है, हम अभी से प्रसाद की तैयारी करते हैं। ठीक है। सुनो 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 सभी गोरबा वासियों सुनो, कल हमारे लड्डू गोपाल धाम में भागवत कथा आरंभ होने जा रही है, इसीलिए हम तुलसी आप सभी को भागवत कथा सुनने के लिए न्योता दे रहे हैं। भगवान कृष्ण की लीलाओं को सुनने का आमंत्रण दे रहे हैं, इसलिए आप सबको अवश्य 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 आना है। तुलसी बिटिया, इतना सुंदर मौका भला हम कैसे छोड़ सकते हैं, हम सब जरूर आएंगे। पर तुलसी बिटिया, कथा कहने वाला कौन है? बाके बिहारी मंदिर के पुरोहित जी, वो कहने। लीजिए, उन्हीं का फोन आ गया। जी पंडित जी, आप बनारस चले गए, फिर हमारे यहाँ कथा कौन कहेगा? हेलो, भगवान श्री कृष्ण का एक नाम राधे भी है, इसीलिए हम जानना चाहते हैं कि भगवान कृष्ण को राधे क्यों कहा जाता है। भगवान कृष्ण अपने सखाओं के साथ इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए विचार मंथन कर रहे थे। पर कान्हा, तुम्हें कौन चुनौती दे सकता है? जो स्वयं को मेरी शक्ति समझती और ये सिद्ध करने के लिए मेरे विरुद्ध भी जा सकती है। राधा, दुनिया की नजरों से परे तुलसी के बनने सारथी आ रहे हैं तुलसी धाम के लड्डू गोपाल, सिर्फ शिमालू टीवी पर।